नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो लोग आज से 10 साल पहले 15 साल पहले चकोर सा प्लॉट लिए थे कॉर्नर वाला बर्फी साइज का, वो ना लेके 50 लाख का फ्लैट अगर म्यूचुअल फंड में लगाया होता, और मैं ये मान के चलता हूँ जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते वो टॉप का नहीं होता, वो 5th नंबर का होता। टॉप 1 पे कौन होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जहां भी हमने पैसा लगाया एएमसी को अच्छे से समझ के, स्कीम को समझ के लगाया, तो देखते हैं टॉप का ना होने के बावजूद भी 5वें नंबर पे हो तो 5वें नंबर का मिड कैप यहाँ पे दिखा रहा है, यूटीआई मिड कैप, जहाँ पे 50 लाख रुपया लगाया हमने, 50 लाख लगाया, पूरे देशवासियों ने कितना लगाया, 6,664 करोड़ रुपया बाकी लोगों ने लगाया। हमने यहाँ पे अगर 50 लाख रुपया लगाया होता, इस 50 लाख का वैल्यू 10 साल के बबाद होता है, जो 5वें नंबर पे फंड है 3,61 करोड़ रुपया, ये हमने मिड कैप कैटेगरी में बताया है। जबकि लार्ज कैप कैटेगरी को अगर चेंज किया जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी में देखते हैं कि अगर 5वें फंड को चुना जाए लार्ज कैप कैटेगरी में, तो लार्ज कैप कैटेगरी में देखते हैं कि 50 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में क्या होता है, 1, 2, 3, 4 और 5 बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, यहाँ पे 50 लाख रुपया लगाया टॉप के फंड में इन्वेस्ट ना कर पाए तो 50 लाख का वैल्यू 10 साल में हुआ है, पिछले 10 साल में हुआ है 2,24,00,000 रुपया। क्या आपने जो प्लॉट फ्लैट खरीदा था, जहाँ भी खरीदा है, जिस भी साल में, 10 साल पहले का बात है, 15 साल 20 साल का बात नहीं है, 10 साल पहले 50 लाख का वैल्यू लार्ज कैप कैटेगरी में 2,24,00,000 रुपया बनाया है, जबकि टॉप का फंड नहीं है ये, 5वें नंबर का फंड है। अगर यही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट किया होता, कॉर्नर का बर्फी प्लॉट नहीं खरीदा होता, स्मॉल कैप में लगाया होता, तो 5वें नंबर का फंड देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी स्मॉल कैप में पैसा लगाई है। इस 50 लाख का वैल्यू होता है 10 साल में 3,95,00,000 रुपया। कहां तो पैसा 1 करोड़ भी नहीं हुआ है, 50 लाख का फ्लैट लिए थे, कम ही हो गया है, कोई लेके भाग गया, डूब गया, ताला लगा हुआ है, देखने नहीं जाते हैं, जब भी जाते हैं तो साफ सफाई करना पड़ता है, बहुत तरह का तामझाम है, बिजली का पेमेंट भी करना पड़ता है, जो सैलरी लगाया दुकान का पैसा बेचा वो बिजली का पेमेंट करने में जा रहा है, सोसाइटी का मेंटेनेंस ड्यू हुआ है उसके लिए पैसा जा रहा है, पैसा जीवन यापन पे खर्च क्या करेंगे, फ्लैट के मेंटेनेंस में पैसा जा रहा है, कहां तो वापस आना चाहिए जीवन यापन करने के लिए पैसा, और उल्टा ही जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं वैसे सब फ्लैट को सेल कर दीजिए और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, SWP लीजिए, पेंशन लीजिए, जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्लॉट फ्लैट खरीदने के लिए बेचैन है। थैंक यू सो मच।